यस, जो पेपर का नाम है आप देखिए, इट इज लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये बच्चों आई थिंक कल एग्जाम में आपका इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने चाहिए वहाँ, और मुझे ऐसे ही लगा कि चलो मैं खाली बैठा था संडे में और बच्चों का फायदा हो जाएगा कुछ। जी देखिए इसको, क्या है इस पेपर में, हम थोड़ा सा चैट जीपीटी की हेल्प भी लेंगे और कुछ एआई टूल्स का, बिकॉज बच्चों सडनली पढ़ाना ऐसे पेपर को जो ऑफ द ट्रैक है, तो दैट इज लिटिल बिट, बिकॉज कोई इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग किताब भी एकदम से नहीं आती है। तो वी शैल टेक द हेल्प ऑफ एआई टूल दैट इज कॉल्ड चैट जीपीटी, एंड आई शैल बी गाइडिंग यू कि क्या इस एग्जाम में आ सकता है, क्या हो सकता है। दिस आई एम गोइंग टू ट्राई। ओके, तो एक बार चैट जीपीटी भी खोल लेते हैं साथ साथ, क्योंकि बच्चों चैट जीपीटी को भी यूज़ करना एक आर्ट है, क्योंकि वो एआई टूल है और कभी कभी सही आंसर नहीं भी करता है, ये भी एक इश्यू है उसके साथ। तो बट थोड़ा अगर जो यूज़ करने वाला स्मार्ट हो तो बहुत अच्छे से उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, और ये जो पेपर है बच्चों, उसका जो टारगेट है बेसिकली क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि एक स्टूडेंट की जो पर्सनालिटी है वो कॉन्फिडेंट हो। आपको लग रहा होगा कि बात तो बेसिक है, हाँ सर सभी सभी ये चाहते हैं, है ना, कि इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए जो उसके पॉइंट है, पहला इन्होंने लिखा करियर एंड प्रोफेशनल स्किल, दे हैव रिटन करियर एंड प्रोफेशनल स्किल, तो इस पे भी अभी बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर लिखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये हमने कॉमर्स में भी पढ़ी है पहले, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। तो ये किसने बनाई थी और क्या थी ये थ्योरी, इस पे एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी। ठीक है, हु, साथ साथ लिखते जाइए आप, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ हायरार्की। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ हायरार्की, मैस्लो, तो उसका पूरा नाम आ जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन चांस होता है आने का। द थ्योरी ऑफ हायरार्की यू आर रेफर टू इज लाइक, लिख लीजिए इसका नाम पूरा, अब्राहम मैस्लो, इन्होंने ये बनाई थी थ्योरी। आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही है, यस। तो द थ्योरी वॉज प्रपाउंडेड बाय अ स्कॉलर कॉल्ड अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने ये थ्योरी बनाई थी, बिल्कुल ठीक। और कौन था वो, ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट इन 1943। देखिए बच्चों, अब नाउ माई क्लास इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, बिकॉज आई एम टीचिंग यू कीपिंग इन माइंड द एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव, सो अकॉर्डिंगली आई एम टीचिंग। ओके, तो द थ्योरी वॉज प्रपाउंडेड बाय अब्राहम मैस्लो, हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है, एंड और बुक 1943 में बनाई थी। थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड लेटर एक्सपेंडेड अपॉन इट इज इन बुक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पब्लिश्ड इन 1954। पहले उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा, फिर बाद में इस थ्योरी को अपनी बुक में इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैस्लो की हायरार्की थ्योरी। अब देखिए मैं इसी में डाल रहा हूँ, व्हाट इज द थ्योरी, व्हाट इज द थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है, देखिए अब्राहम मैस्लो ने थ्योरी ये बनाई, प्लीज ध्यान से समझिए। फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसने कहा जो ह्यूमन है उनकी कुछ नीड्स हैं, आपने देखा होगा जो गरीब लोग हैं वहां से शुरुआत होती है जिंदगी की। सपोज मैं अपने बारे में सोचूं, हमारे पास्ट के बारे में, तो हमें लगता है कि प्रोस्पैरिटी अभी आई होगी थोड़ी बहुत, तो पहले प्रोस्पैरिटी नहीं थी, तो
तो जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, ये हमारी, ये मैस्लो ने ये बताया कि हम लोग काम क्यों करते हैं और क्या चीज है जो हमें मोटिवेट करती है। आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करके क्या करना चाहते हैं? आप लोग पढ़ाई करके जॉब पाना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं एथिकली। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी आप लोग स्टूडेंट जो है पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, बट जब उनकी एज ग्रो करेगी तो वो ओल्ड एज की तरफ जाएंगे, काम करने की कैपेसिटी कम होगी, तो यू हैव टू अर्न द मनी। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि पेपर भी इसी टाइप का ही है कुछ। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स है, हम अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए काम करते हैं, जो हमारी ह्यूमन नीड्स हैं। लिखा हुआ है वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, हम इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इसको बोला गया है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है जी, इसको उन्होंने बोला फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिर वो बोलते हैं दूसरा, दूसरी क्या चीज है जो हमें मोटिवेट करती है? दूसरी चीज है सेफ्टी नीड्स। तीसरी चीज है लव एंड बिलोंगिंगनेस। अब आप कहेंगे ये क्यों पढ़ा रहे हो उतना डिटेल में, वो बोल देंगे क्या लव एंड बिलोंगिंगनेस कोई नीड है? क्या एस्टीम नीड है? या चूज ऑड वन आउट, तीन तो रिलेटेड दे दिए, एक नाम कुछ और लिख दिया। तो यू शुड नो द हेडिंग। और ये थ्योरी किसने बनाई? अब्राहम मैस्लो ने। और ये आपके सिलेबस में, ये सिलेबस है, देखिए बहुत ही मैं उसको बारीकी से देख रहा हूँ। ये रहा तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो मैस्लो ने ये क्या थ्योरी बनाई जिससे ये क्लियर हो कि लोग काम क्यों करते हैं? तो इसका जवाब है फिजियोलॉजिकल नीड्स बनाई मैस्लो ने। उसने बोला कि लोग फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए काम करते हैं। फिर मैस्लो ने बोला सेफ्टी नीड्स के लिए काम करते हैं, इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और फिर उसने बोला लव एंड बिलोंगिंगनेस के लिए हम काम करते हैं। आपने देखा होगा संडे को या वीकेंड्स पे जिनके पेरेंट्स बाहर रहते हैं, कुछ महीनों के बाद वो छुट्टी लेके घर आते हैं, तो ये लव एंड बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है, वहाँ से वो चार्ज होते हैं इमोशनली, फिर काम पे जाते हैं। एस्टीम नीड्स होती है, जो हमारे अंदर एक, इसको ईगो नहीं कह सकते, एक रिकग्निशन, रिस्पेक्ट होती है। फिर हम एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काम करते हैं। अब बच्चों, अगर आप ट्रुथ मानिए तो मैं इस समय पे ऑड आवर्स पे यदि ये क्लास ले रहा हूँ तो शायद मैं ये स्टेज में जी रहा हूँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, क्योंकि विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ गुड जॉब एंड द लाइवलीहुड एंड वी आर टीचर्स, सो वी गेट रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग इज देयर। बट समटाइम आई फील दैट व्हाट एल्स आई कैन डू, व्हाट एल्स आई कैन एक्सप्लोर फ्रॉम माई सेल्फ। तो इट वॉज अ क्रिएटिव आइडिया, मे बी समबडी में लाइक, समबडी में नॉट लाइक, बट इट वॉज माई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड ऑल द अबव फोर नीड्स ऑफ लाइफ। सो एट दिस जंक्चर ऑफ एज आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, बिकॉज ये ऐसी स्टेज होती है जब हम अपनी सब कुछ पा चुके होते हैं और उसके बाद भी हमें लगता है कि हम अपने अंदर से और क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की मैस्लो ने एक थ्योरी बनाई है। बस अभी बच्चों, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हम जस्ट मेकिंग अ डिलीजेंट एफर्ट। तो ये मैस्लो की थ्योरी थी। फिर एक वर्ड आया यहाँ पर, व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू डीमोटिवेशन। ये बिल्कुल ऑपोजिट है, मोटिवेशन किन चीज़ों से होता है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया जो मोटिवेशन है इन चीज़ों से होता है। अभी मैंने बताया मोटिवेशन के लिए फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड है, लव एंड बिलोंगिंगनेस है, एस्टीम नीड्स है एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। अब आता है जो डीमोटिवेशन के कॉजेज क्या हैं, तो इसको डाल के देखते हैं। कॉजेज ऑफ डीमोटिवेशन जी, ये लिख रहे हैं डीमोटिवेशन क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन लिख लीजिए। डीमोटिवेशन इज ऑपोजिट टू मोटिवेशन। डीमोटिवेशन क्या है बच्चों? मोटिवेशन का ऑपोजिट है जब हमारा काम करने का मन ना करे और हमारे अंदर कोई मोटिवेटिंग फोर्स ना हो, तो उसको बोला जाता है कि यार आई फील डीमोटिवेटेड। कब होता है ऐसा? देखिए, एक तो हमारी लाइफ में जब क्लियर गोल्स नहीं होते तब हम डीमोटिवेटेड होते हैं, हमें समझ नहीं आता। जैसे मैं आपको ध्यान में रख के बोलूं, इतना टफ कंपटीशन है, हजारों लाखों लोग हैं, बेरोजगारी है, रिजर्वेशन है, तरह तरह की इश्यूज हैं, और
पहले पढ़ाई की डिग्री लेनी है, उसके बाद पता नहीं नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये जो लैक ऑफ क्लियर गोल्स है कभी कभी हमें नहीं होते हैं, या हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। फिर हमारी सेल्फ एस्टीम, जो हमारे अंदर एक एक जैसे कई बार कुछ लोग देखे होंगे आपने, वो किसी पे भी लाइक, अभी तो आप स्टूडेंट है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, और मदर्स का तो खैर वी सल्यूट ऑल द मदर्स बिकॉज दे टेक लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट कुछ ऐसे फैमिली मेंबर होते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं या पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, मगर उनके अंदर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती कि कोई भी कमा रहा है वो उस पे आश्रित है और उनकी भी कमाने की है। तो ये सेल्फ एस्टीम, कई बार हम बोलते हैं यार ऐसे दूसरे पे बर्डन क्यों रहना, तो जब हम दूसरे पे बर्डन होते हैं, मैंने क्लियर किया हम बर्डन कब होते हैं, जब हमारी एज निकल गई पढ़ाई की और हम बड़े हो गए और अब हमें कमाना चाहिए और हम बिल्कुल सही सलामत हैं, तो इसको लो सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। या कई बार हम काम करते हैं और हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता, जैसे हम काम कर रहे हैं और रिवॉर्ड कोई और ले रहा है, या हमें कोई रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है, तो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। और कभी कभी हमारे ऊपर इतना वर्कलोड होता है कि तो भी हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, और कभी बोर्डम होता है, वही रूटीन काम कर करके लाइफ में बोर्डम की स्टेट आ जाती है, तो भी हम मोटिवेटेड फील नहीं करते। और कभी कभी हमें लैक ऑफ ऑटोनॉमी होती नहीं होती, क्योंकि तो जब भी हमें हर चीज बोली जाती है काम, ये मैं वर्क प्लेस की बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सोचना, ये आप अपने ऊपर अप्लाई मत करो, ये एक एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई करो, वो डीमोटिवेटेड कब होता है? तो डीमोटिवेटेड कब होगा? जब उसे ऑटोनॉमी नहीं होगी, हर बात उसको बोला जाएगा कि सीनियर से पूछो, और वर्क एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज होते हैं और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत सारे हेडिंग इन्होंने दिए हैं, और लैक ऑफ पैशन होता है, और वो फिजिकल और इमोशनली बर्नआउट हो चुका होता है, होपलेस फील करता है, और पैशन नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं बच्चों? डीमोटिवेशन का कॉज होती हैं। ये मैं एक एक आइडिया ले रहा हूँ, क्योंकि तो मैंने आई टोल्ड यू इट वॉज एन अटेम्प्ट, सो आई एम जस्ट लुकिंग एट द सिलेबस साइड बाय साइड एंड टीचिंग यू स्मॉल स्मॉल थिंग्स सो दैट यू कैन गेट व्हाट द कॉन्सेप्ट इज, ठीक है? और इसके बाद बच्चों इस पेपर के नाम पे आते हैं लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए इसका जो मतलब है क्या है, इसको भी जरा पूछ लेते हैं अपने AI टूल से, व्हाट्स द मीनिंग, होता क्या है लाइफ स्किल एंड मीनिंग एज अ सब्जेक्ट। लाइफ स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अ सब्जेक्ट और एरिया ऑफ स्टडी दैट फोकसेज ऑन इक्विपिंग इंडिविजुअल्स विद द नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड नेसेसरी टू लीड अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। आप लोगों के कोर्स में बच्चों ये क्यों डाला गया, आप इससे जज कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि लाइफ स्किल जो है ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, गोल सेटिंग, लीडरशिप एंड टीम वर्क, अडैप्टेबिलिटी एंड रिसिलियंस एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, रेजिलियंस सॉरी, इंटरपर्सनल स्किल, ये इन्होंने बोला। लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें कवर्ड है, और ये आपके कोर्स में क्यों रखा गया, उनका कहना है कि एक इंडिविजुअल को ये बात समझनी पड़ेगी कि उसको उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए काम के प्रति, और एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए उसको ये सब अपने अंदर एट्रीब्यूट सम इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, सो दैट वो मनी अर्न कर सके और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके, एक अच्छा सिटीजन बन सके और देश के प्रति भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। भारती जी स्क्रीन को मत करो, उसमें नाम आ जाता है। आप देखिए मैंने सब कुछ तो डिसेबल कर रखा है, सब कुछ कंसिडरिंग इन क्लासेस को, फिर भी आप छेड़ाछानी कर रहे हो उसके साथ जी।
नाम भी आ जाता है उसमें। यस चलिए मैं चैट अलाउ कर देता हूँ, अभी नहीं। ओके देखता हूँ। ये बच्चों जब क्लासेस लेते हैं हमें तो मुझे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ते हैं क्योंकि उसको मिसयूज करने लगते हैं सभी लोग। यस चलिए लेट मी गो एट कम्युनिकेशन स्किल। मैंने बताया व्हाट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ स्किल, तो इसका जवाब है लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ सब्जेक्ट और एरिया ऑफ स्टडी दैट फोकसेस ऑन इक्विपिंग इंडिविजुअल्स विद द नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड नेसेसरी टू लीड अ सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग लाइफ। और वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इसमें है, पर्सनल ग्रोथ, अ गुड ह्यूमन बीइंग, इफेक्टिव फंक्शनिंग एट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड टेकिंग गुड एजुकेशन, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, गिविंग योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड ग्रूम योर पर्सनैलिटी एंड कीपिंग योर सेल्फ हेल एंड हेल्दी एंड कीपिंग योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। दिस इज लाइफ स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दिस इज द मीनिंग। देखिए अब क्या क्या स्किल्स की बातें कर रहे हैं, लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, रीडिंग स्किल होनी चाहिए, राइटिंग स्किल, इफेक्टिव रिज्यूमे प्रिपरेशन, इंटरव्यू स्किल, ग्रुप डिस्कशन स्किल, एक्सप्लोरिंग करियर अपॉर्चुनिटीज, साइकोमेट्रिक एनालिसिस एंड मॉक इंटरव्यू सेशंस। ये इन्होंने बोला है करियर, ये यूनिट 1 है जो वो बोल रहे हैं व्हाट आर द स्किल्स व्हाट अ पर्सन शुड पजेस। वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो एक व्यक्ति को अपने अंदर रखनी चाहिए, वो क्या स्किल्स हैं, तो वो बता रहे हैं क्या स्किल्स हैं। लिसनिंग स्किल, यू शुड बी अ गुड लिसनर। कई बार हम बात नहीं समझते हैं, आधी बात सुनते हैं और चल पड़ते हैं, तो गुड यू शुड बी अ गुड लिसनर एट वर्क प्लेस वेयर एवर यू गो। रीडिंग स्किल, यू शुड हैव द एबिलिटी टू रीड। देन राइटिंग स्किल, इफेक्टिव रिज्यूमे प्रिपरेशन, ये सब स्किल्स हैं। देन इंटरव्यू स्किल, यदि हमारा कोई इंटरव्यू हो तो वी शुड बी कॉन्फिडेंट, रोने ना लग जाए हम, घबरा ना जाए, आते हुए भी ना जवाब दे पाए। ग्रुप डिस्कशन स्किल, कई बार ग्रुप डिस्कशन होता है, अचानक सडनली हमें कोई टॉपिक दे दिया जाता है और बोला जाता है इस पे बोलो। सपोज आज G20 समिट इंडिया में खत्म हुआ तो इसी पे टॉपिक दे दिया, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, एक वर्ड आ गया रीजनल ब्लॉकिंग। ये जो G20 समिट है इट वाज अ रीजनल ब्लॉक, डेवलप्ड नेशन डेवलपिंग नेशंस का एक समिट है। तो उसी पे अचानक से एक टॉपिक दे दिया कि इस पे कमेंट करो अपना। तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन स्किल। जी तो इसको जो मैंने अभी बोला ग्रुप डिस्कशन, सडनली हमें लोगों की स्किल देखनी है कि वो कैसा बोलते हैं, तो हम उन्हें कोई टॉपिक दे देते हैं और 10-15 लोगों को बोलकर यही बोलते हैं कि प्लीज इस पे बोलना शुरू करो। जब कभी भी MBA के लिए सिलेक्शन होता है बच्चों, तो वहां पर GD होता है, इसको शॉर्ट में GD बोल देते हैं, और इसको कभी कभी हम एक्सटेम्परी भी बोलते हैं। ग्रुप डिस्कशन, कोई सडनली कोई टॉपिक देना और ये बोलना विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्ट, ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं और फिर उसको ये देखा जाता है कि किसी की सडन क्या स्किल है। देखो बच्चों पेपर ही स्किल है,
आप ये देखिए, आई एम अ टीचर एंड साइड बाय साइड आई एम राइटिंग, अभी नीचे आएगा इसमें डिजिटल लिटरेसी, एंड आई एम एट द एज ऑफ योर पेरेंट्स एंड मे बी हायर द एज, बट आई एम वेल वर्स विद दीज इक्विपमेंट्स बिकॉज आई हैव लर्न दो स्किल्स. आई न्यू व्हेन आई एंटर्ड इन दिस प्रोफेशन, आई न्यू नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग. लुक व्हाट आर दे सेइंग, आई वॉन्ट टू क्लियर हियर. ये देखिए वो बोल रहे हैं, ये देखिए अभी कहीं पे था, कहीं पे डिजिटल लिटरेसी. अब इफ आई एम नॉट वेल वर्स विद दीज कंप्यूटर्स दीज सॉफ्टवेयर्स आई कांट रीच यू, ऐसे इतने ऑड आवर्स में, और मैं पढ़ा ही रहा हूँ, कोई ऐसी गलती नहीं कर रहा हूँ जो किसी को कोई इस पे वो कि ये कौन सा टाइम है. सर ये तो वॉलेंट्री है, मत ज्वाइन करिए. आई हैव गिवन अ चॉइस इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर भी देखिए, मैं कुछ यहाँ पे शो करता हूँ. अभी मैंने पढ़ा था कि ये स्किल्स में था, यू शुड बी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, यू शुड बी यूजिंग, ये देखिए बच्चों, डिजिटल स्किल्स, हैव अ लुक इन योर करिकुलम, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर स्किल, डिजिटल लिटरेसी, सोशल मीडिया, डिजिटल एथिक्स, साइबर सिक्योरिटी. तो ये भी एक स्किल है. आई एम टीचिंग यू विद दोज सॉफ्टवेयर्स, विद दोज डिजिटल टूल्स, विद दोज लिटिल बिट कंप्यूटर स्किल्स. आई नो हाउ टू यूज चैट जीपीटी, आई एम यूजिंग इट इंस्टेंटली विदाउट प्रिपरेशन, आई एम टेकिंग दिस क्लास. तो इसको आपने समझना है, हमको ये चीज, अब जैसे सोशल मीडिया है, हम खाली सोशल मीडिया का सोशल लाइफ में यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट बैड, बट वी हैव टू यूज इन ग्रूमिंग अवर पर्सनालिटी एंड कंप्यूटर स्किल. एवरीथिंग इज लाइक इज ऑन कंप्यूटर्स. डिजिटल लिटरेसी, वी शुड बी वेल वर्स इन यूजिंग दोज डिजिटलाइजेशन टूल्स, मेकिंग पेमेंट्स, फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म्स, गिविंग ऑनलाइन, अटेंडिंग ऑनलाइन मीटिंग्स, वर्कशॉप्स, वर्क फ्रॉम होम कल्चर, डिजिटल एथिक्स, व्हाट आर द एथिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी. जैसे हम लोग को सिखाया जाता है कि आप लाइफ में एथिक्स रखो, तो हम सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी कोई झूठ ना फैलाएं, साइबर सिक्योरिटी को हम फॉलो करें, और किसी से अनएथिकल तरीके से रॉन्ग कुछ सॉफ्टवेयर यूज करके हम मनी की चोरी या मनी अर्न ना करें. तो एक वर्ड आपने सुना होगा, हैकर्स, जामतारा, मेवात, जामतारा देन मेवात, ये बच्चों फेमस है साइबर क्राइम के लिए. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वाई आर दे फेमस फॉर. ये मेवात वही जगह है जहां भी नूह, जहां भी वायलेंस हुई थी, मेवात वही जगह है, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे है ये. इसको दूसरा साइबर क्राइम की कैपिटल बोलते हैं. जामतारा पे एक वेब सीरीज भी बनी है. ये लोग आवाजें बदलकर सॉफ्टवेयर यूज करके लोगों से साइबर क्राइम करते हैं, हैकर्स हैं ये. साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी हमें चाहिए इससे बचने के लिए. और हमारी कंट्री में कौन सा एक्ट है जो साइबर सिक्योरिटी देता है? साइबर सिक्योरिटी के अगेंस्ट हमारी कंट्री में एक्ट है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट. इसका ईयर भी चेक कर लेते हैं, आईटी एक्ट का. टू थाउजेंड के आसपास है कहीं. टू थाउजेंड ही है. द टर्म आईटी एक्ट इज नॉट स्पेसिफिक इनफ टू डिटरमिन विच एक्ट यू आर रेफरिंग टू. वो चैट जीपीटी नाराज हो गया.
It was enacted in the year 2000 and officially known as Information and Technology Act. और ये बच्चों ई कॉमर्स साइबर सिक्योरिटी डिजिटल सिग्नेचर से लिंक्ड है. इट इज रिलेटेड टू ई कॉमर्स आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ई कॉमर्स साइबर सिक्योरिटी के प्रोविजन है इसमें. एंड डिजिटल सिग्नेचर, अब बच्चों कुछ लोग बोलते हैं जी डिजिटल सिग्नेचर जैसे मैंने यहाँ साइन कर दिए डिजिटल साइन हो गए. नहीं, ये नहीं होते हैं सर. जैसे हम आरटीओ जाते हैं क्या वहां पर डिजिटल साइन करते हैं, वो होते हैं? नहीं, वो भी नहीं होते हैं. फिर डिजिटल सिग्नेचर होते क्या है? डिजिटल सिग्नेचर बच्चों एक पेन ड्राइव जैसा मजेंटा कलर का एक डिवाइस होता है जो यूएसबी पोर्ट पे लगता है. उसको लगाने के बाद एक ऑफिशियल आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट आपका द्वारा साइंड माना जाता है, उसको डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं. और ये भी एक सिक्योरिटी का तरीका है कि डिजिटल सिग्नेचर एक ही होता है एक बंदे का, और बिल्कुल इट लुक्स लाइक पेन ड्राइव. ध्यान से समझ लीजिए, अब जैसे ये एक डिजिटल स्क्रीन है जिसपे मैं पढ़ा रहा हूं, तो अब इस पे मैं साइन कर दूं, ऐसे यहां मैं लिख दूं अपना नाम, ये मैंने लिख दिया, तो क्या ये डिजिटल सिग्नेचर हो गए? क्योंकि मैं बोर्ड पे कोई, मैं तो बैठ के पढ़ा रहा हूँ. आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम टीचिंग. दिस इज अ डिजिटल इंटरैक्टिव पैनल. नो, दिस इज नॉट डिजिटल सिग्नेचर. नो, इट इज जस्ट लाइक राइटिंग ऑन द बोर्ड. डिजिटल सिग्नेचर इज पुट इंसर्टेड ऑन द यूएसबी पोर्ट, और वो तब होता है बच्चों कि जब मुझे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, तब वो डिजिटल सिग्नेचर उसमें ऑफिशियली, समझ लो मैं ही अपलोड कर रहा हूँ, कोई और नहीं कर रहा है, कोई हैकर नहीं कर रहा उस डॉक्यूमेंट को अपलोड, वहां पर यूज होता है अपलोड करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए. तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर. तो यहाँ पर कुछ बीच बीच में जो बातें हो रही हैं, ठीक है. फिर हम ऊपर बात कर रहे थे ये जो स्किल्स की. फिर अभी मैंने एक वर्ड यूज किया एक्सटेम्परी, और जीडी में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस जीडी एंड एक्सटेम्पर, जो सडन स्पीच होती है, टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन एजुकेशनल प्रोफेशनल एंड कॉम्पिटिटिव सेटिंग. जीडी क्या होता है बच्चों? एक पर्पस होता है. प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज टू इवैल्यूएट अ पार्टिसिपेंट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, ओपिनियन एंड आइडियाज. ये ग्रुप डिस्कशन का मकसद है. और एक्सटेम्परी, जो एक्सटेम्पर होता है, द पर्पज ऑफ एक्सटेम्परी स्पीच इज टू असेस अ पार्टिसिपेंट्स एबिलिटी टू स्पीक स्पॉन्टेनियसली. जीडी की वो पहले से तैयारी करके आता है, टॉपिक तो जीडी में सडन ही दिया जाता है, लेकिन वो पहले से प्रिपेयर्ड होता है कि मुझे किस टॉपिक पे बोलना पड़ सकता है. लेकिन जो सडन स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग है वो एक्सटेम्परी में होती है. सडन स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग, ठीक है, ये होती है एक्सटेम्पर, ठीक है. डिजिटल स्किल के बारे में मैंने बताया. एक वर्ड आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये क्या होता है? व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है बच्चों आओ दिमाग लगाएं. दिस इज रेफर्ड एज ब्रेन स्टॉर्मिंग. मैंने बच्चों वहां चैट जीपीटी यूज कर रहा था, यहाँ मेरे को लगा चलो बिंग से, बिंग को यूज करते हैं. बिंग थोड़ा इम्प्रूव्ड, वही है, चैट जीपीटी को ही यूज करता है ये भी. ब्रेन स्टॉर्मिंग मीनिंग, आई एम वेल वर्स विद दीज टर्म्स, बट बच्चों मैं थोड़ा और बेटर
ब्रेनस्टॉर्मिंग मीनिंग। ठीक, समथिंग वेंट रॉन्ग, वेरी फाइन। नाउ सर्चिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग लिख लीजिए इसको, ये आप ही के सिलेबस से बोल रहा हूँ। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व जेनरेटिंग एंड शेयरिंग मेनी आइडियाज इन अ ग्रुप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू फाइंड अ सॉल्यूशन। ये दिख रहा है स्क्रीन पे। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व जेनरेटिंग एंड शेयरिंग मेनी आइडियाज इन अ ग्रुप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और फाइंड अ सॉल्यूशन। इट इज अ ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व द स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ये कह रहे हैं कि इन्वॉल्व जेनरेटिंग एंड शेयरिंग मेनी आइडियाज इन अ ग्रुप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और फाइंड अ सॉल्यूशन। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है। अब इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक दे दिया और कोई प्रॉब्लम के बारे में बताया कि सोच के बताओ। टीम ऑफ इंजीनियर्स को ब्रेन स्टॉर्मिंग कराई, बताओ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो लोगों के अंदर क्रिएटिविटी होती है, उसको ग्रूम कर रहा। दैट इज रेफर्ड एज वॉट? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ये देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग विद स्टिकी नोट्स, राइट डाउन आइडियाज ऑन पेपर एंड देन शेयर इट विद देम। वो कह रहे हैं नो क्रिटिसिज्म और जजमेंट ऑफ आइडियाज, क्वांटिटी बहुत होती है मगर हमें क्वालिटी चाहिए। हमें लोगों को बोलना है कि यार प्लीज फ्रीलांस अपना दिमाग लगाओ और बताओ इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ये हमारा, मैंने कहा ना मैं इसी में से ले रहा हूं। अब आता है सोशल एंड कल्चरल एटिक्वेट्स क्या है। ये बच्चों देखिए, ये बेसिकली ये जो पेपर है लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम देखिए बच्चों, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे इस पेपर को डाला, क्योंकि तो कई बार पढ़ते पढ़ते या एक ग्रुप में रहते रहते वी फॉरगेट हाउ वी हैव टू प्रेजेंट अवर सेल्फ इन अ पब्लिक डोमेन। तो इस पेपर को डालने का मकसद यही है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो और हमारी लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल हो, इफेक्टिव रिज्यूमे प्रिपरेशन हम कर सकें, ग्रुप डिस्कशन स्किल जैसे अभी मैंने बताया, ग्रुप डिस्कशन स्किल होनी चाहिए। और एक वर्ड इन्होंने और यूज किया, साइकोमेट्रिक एनालिसिस। व्हाट इज साइकोमेट्रिक एनालिसिस आई आस्क्ड, लिखिए इसको भी। साइकोमेट्रिक एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट मेजरमेंट। साइकोलॉजिकल टेस्ट आर यूज्ड टू मेजर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सच एज पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, स्किल एंड एटीट्यूड। ये है बच्चों जी, उन्होंने बताया व्हाट इज साइकोमेट्रिक एनालिसिस। साइकोमेट्रिक एनालिसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो क्वालिटी से भरा हुआ हो और साइकोलॉजिकल टेस्ट हमें लेने हैं, मेजर करना है साइकोलॉजी किसी ह्यूमन की, उसके बिहेवियर को जज करना है, उसके इंटेलिजेंस को जज करना है, उसकी स्किल्स को, उसके एटीट्यूड को, जिससे कि हम उससे काम ले सकें।
ये बच्चों, अब आप कहेंगे क्या ये नौकरी पाने के लिए ही है? ये जरूरी नहीं है बच्चों की नौकरी पाने के लिए, ये इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ जॉब, ये सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी है। मान लीजिए बैंक में किसी को लोन देना है, तो बैंक उसको बोलेगा ना, भाई मुझे बताओ तो सही तुम्हारे पास क्या स्टार्टअप आइडिया है, क्या एबिलिटी तुम्हारे पास है, क्या स्किल है, थोड़ा मेरे को बता तो दो कि, क्योंकि हम आपको पैसा उधार दे रहे हैं, तो थोड़ा जस्टिफाई तो हो जाए कि तुम लौटाने, कमा कर लौटाने की कैपेसिटी भी रखते हो कि नहीं। ये जो स्किल है बच्चों, इसको वो बोल रहे हैं साइकोमेट्रिक एनालिसिस, और ये जॉब के लिए तो जरूरी है ही है, इसके साथ साथ ये सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए भी जरूरी है भाई। हमें लोन लेना होगा, हमें सप्लायर से उधार माल खरीदना होगा, हमें कोई शॉप या फैक्ट्री रेंट पर लेनी पड़ेगी, तो यदि हम साइकोमेट्रिक तरीके से स्ट्रांग होंगे तो हमें जाकर वो पैसा उधार देंगे, या सामान उधार देंगे, या बैंक पैसा देगा। तो ये साइकोमेट्रिक एनालिसिस है जो हम करते हैं, और जॉब के लिए तो बस जरूरी है ही है ये। और इसके लिए हम लोग कई बार लोगों के टेस्ट लेते हैं, कुछ उनसे सवाल पूछते हैं, और कई बार उनसे कुछ सॉल्व कराते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछकर उसका टोटल कर देखते हैं कि इसकी जो रिस्पॉन्स करने की स्किल थी वो कैसी थी। ठीक है, अब है बच्चों, ये साइकोमेट्रिक एनालिसिस का मीनिंग था, फिर से बता रहा हूं, किसी का ह्यूमन बिहेवियर चेक करना, क्वालिटी एक्यूरेसी साइकोलॉजिकल टेस्ट मेजरमेंट, इंटेलिजेंस स्किल एटीट्यूड, इसको जज करना किसी इंसान के ब्रेन में, उसकी पर्सनालिटी में, इसको साइकोमेट्रिक एनालिसिस बोल रहे हैं वो। दे आर कॉलिंग इट साइकोमेट्रिक एनालिसिस। फिर बोल रहे हैं इट एग्जामिन द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, हाउ कंसिस्टेंट एंड स्टेबल द टेस्ट स्कोर्स आर ओवर टाइम। अब हम ह्यूमन के कुछ टेस्ट स्कोर्स लेंगे, उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो उसके आंसर करेगा, उसका स्कोर देखेंगे, तो जज करेंगे कि उसकी साइकोमेट्री साइकोलॉजिकली वो ब्रेन से कितना स्ट्रांग है और उसका टैलेंट क्या है। आपकी अर्ज, अब इंटरेस्ट एंड कोलैबोरेशन पे बात करते हैं। कंप्यूटर स्किल के बारे में मैंने बताया, कंप्यूटर की लिटरेसी, थोड़ा बहुत आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका इन्वेंशन कब हुआ, कंप्यूटर का किसने किया, और इसकी जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, व्हेन वाज कंप्यूटर इन्वेंटेड एंड इट्स जेनरेशन। क्योंकि कंप्यूटर की कुछ जेनरेशन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड ऑल सच। अब देखिए, कंप्यूटर का जो इन्वेंशन है टू अ सिंगल डेट और इंडिविजुअल नहीं बता पा रहे हैं वो, और फर्स्ट जनरेशन है 1937 से 1953, ठीक है, और ये है बच्चों, प्लीज साथ साथ लिखते जाइए, ना टाइम नहीं है, ये कंप्यूटर की जेनरेशन है।
ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन हो गई 1937 से 1953, और इसमें कैसे कंप्यूटर थे, बहुत ही बड़े बड़े कमरे जितने साइज के। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी ट्रांसिस्टर्स वाली, रिप्लेसमेंट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी। आईबीएम कंपनी ने यहाँ पे शुरू किया होगा सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन थी 1963 से 72, इसमें आईसीज लगनी शुरू हो गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज। इसमें अब वो कहेंगे कि ट्रांसिस्टर्स किसमें लगते थे, तो हम बोलेंगे सेकेंड जनरेशन, और आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इट्स आंसर इज थर्ड जनरेशन। ओके, फिर फोर्थ जनरेशन, इसमें बच्चों पर्सनल कंप्यूटर्स बनने शुरू हो गए थे 72 से 80s, माइक्रो प्रोसेसर्स यूज हो गए थे शुरू होने, इसमें यूज हुए थे फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स। साइंस डेवलप करता रहा, कंप्यूटर छोटे होते रहे, ये जो मोबाइल है अब आपके पास इतना छोटा कंप्यूटर ही है। फिफ्थ जनरेशन थी 1980 से लेकर अभी तक जो जनरेशन है उसको फिफ्थ ही बोला इन्होंने, जबकि बहुत लंबा ड्यूरेशन है ये, इसको ये फिफ्थ जनरेशन ही बोल रहे हैं। और देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, फील्ड लाइक एआई एंड रोबोटिक्स, दीज कंप्यूटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटी टू प्रोसेस, एआई एंड रोबोटिक्स। फिफ्थ जनरेशन पीसीज शुरू हो गए थे, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटपैड, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स, आईपैड, मोबाइल फोन, दे आर ऑल्सो लाइक कंप्यूटर, एंड्रॉयड वाले, ये टेक्नोलॉजी, देन एप्पल की टेक्नोलॉजी, ये सब, ये फिफ्थ जनरेशन 1980 से लेकर अभी तक, अप टिल नाउ, ठीक है। I have to look at the syllabus, children, side by side. अब आता है मैस्लो की थ्योरी के बारे में, मैंने थोड़ा बताया मोटिवेशन क्यों जरूरी है, और मोटिवेशन का बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिव्स होते हैं, और फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स भी होते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिव्स रेफर टू द अंडरलाइंग रीजंस और ड्राइव दैट इंफ्लुएंस एन इंडिविजुअल बिहेवियर और एक्शन। इंटरनल मोटिव्स हैं बच्चों सेल्फ ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेटिस्फेक्शन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आपको अंदर से आए, खुद काम करने का मन करे कि नहीं यार मैं खाली नहीं बैठूंगा, आई विल वर्क, और सेटिस्फेक्शन मिले, ऑटोनॉमी हो, ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने आप से आप मोटिवेटेड फील करें, पैशन हो आपके अंदर, ये इंटरनल मोटिव्स है। एक्सटर्नल क्या है, आपके ऊपर आपको मोटिवेट किया जा रहा है, किसी और बंदे की जरूरत पड़ रही है, या तो वो आपको मनी दे रहे हैं, प्रेज दे रहे हैं, रिकग्निशन, ध्यान से सुनना, यदि वो मनी दे रहे हैं और फैसिलिटीज दे रहे हैं तो मॉनिटरी है, प्रेज और रिकग्निशन दे रहे हैं तो वो नॉन मॉनिटरी है, ध्यान से सुन लो। यदि कोई मनी, प्रमोशन, मनी, फैसिलिटीज, गिफ्ट्स और मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज और एनीवन, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मोटिवेटर्स।
और रिकग्निशन प्रेज, ये बच्चों नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स होते हैं। रिस्पेक्ट, रिगार्ड, रिकग्निशन, फेलिसिटेशन नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन, ये ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेशन में फाइनेंशियल जो है एक्सटर्नल का पार्ट है, और एक्सटर्नल मोटिवेशन ज्यादा बड़ी टर्म है, रिवॉर्ड ड्रिवन होता है, कंप्लायंस भी होती है, जैसे बोनस दे देना, उसको अच्छे ग्रेड्स देना, प्रमोशन दे देना, ये एक्सटर्नल मोटिवेटर्स है। मोटिवेशन के बारे में बता दिया, डीमोटिवेशन के बारे में, तो आप देखिए बच्चों मेरे लिए कितना चैलेंजिंग है। ऐसे ही रैंडमली 1 आवर में, ऐसे ही कुछ टाइम में एक बच्चे को आइडिया देना कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे गेट, और मोर ओवर द पेपर इज ऑब्जेक्टिव, दैट इज स्पेसिफिक। अब आता है बच्चों स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज। बच्चों इसमें एक नाम लिखा है योगा, आपने देखा इंटरनेशनल योगा डे, हमको मालूम है ये इंडिया को क्रेडिट जाता है इसके लिए। बच्चों एक बहुत ही फेमस है स्वामी राम रामदेव बाबा जी, तो उन्होंने देखो बच्चों आप बिजनेस करते होंगे और ठीक है इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट इंडिया में योगा में क्रांति लाने वाले स्वामी रामदेव हैं। उसके बाद अब जगह जगह पर योगा का प्रचलन शुरू हो गया है, और योगा डे लिख लीजिए 21 जून, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून होता है एवरी ईयर। 21 जून इज द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, और इसका क्रेडिट इंडिया को जाता है कि योगा को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके आना, योगा को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाना, बिकॉज बच्चों किसी को भी हेल्दी रखने के लिए, हेल्दी फॉर कीपिंग समबडी हेल्दी, योगा इज मस्ट। और फिर बच्चों स्ट्रेस मैनेजमेंट में, इन मैनेजिंग स्ट्रेस योगा इज हेल्पफुल। तो ये यहाँ पर योगा के बारे में ही बता रहे हैं, देखिए ये रहा स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस के कॉज क्या है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस में हम लोग सभी रहते हैं, और मेटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं, पैसा कमाना, नौकरी पाना, फैमिली को मैनेज करना, ये सब स्ट्रेस है। और इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन आती है स्केयरसिटी, हमारे पेरेंट्स के पास जितना भी वो मेहनत करते हैं वी सैल्यूट देम, बट स्टिल वी आर स्केयर्स ऑफ रिसोर्स। तो जब स्केयरसिटी होती है तो स्ट्रेस होता है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें संतुष्टि चाहिए होती है। तो इसके लिए वो ये कहते हैं कि योगा जरूरी है, प्राणायाम, देखिए ये लिख रहे हैं यहाँ पर, डिसिप्लिन ऑफ माइंड थ्रू प्राणायाम, इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी, ये योगा के फायदे हैं, मेडिटेशन, मेडिटेट करिए और स्ट्रेस मैनेज करिए, साइकोलॉजिकल फिजिकल मैकेनिज्म, फिजिकली वॉक करिए, फिजिकल कुछ एक्सरसाइज करिए। क्योंकि अब क्या हो गया बच्चों, जब से ये मोबाइल और सोशल मीडिया आया, हमारे बच्चे गलियों में ना तो खेलने जाते हैं, ना स्पोर्ट्स के ग्राउंड बचे, ना गार्डन्स बचे, ना कुछ ऐसे पार्क बचे जहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज हो। तो सब लोग इंडोर टाइप के गेम खेलते हैं, आप लोग अपने को जानते हो कैसी कैसी गेमिंग में और सोशल मीडिया में, तो इससे इन चीज़ों से हमें स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। तो ये जो चीज़ें, इस तरह की जो डिसिप्लिन है, ये हमारी लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, हमारी पर्सनालिटी ग्रूम होती है, और हमारा माइंड शार्प होता है, मेमोरी शार्प होती है, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हम हर चीज मेमोराइज ही तो करते हैं। अब कल पेपर है,
तो किताब तो ले जानी नहीं है, तो मेमोराइज करके ही तो एग्जाम देना है। ये है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में मैंने बताया। और फिर यहाँ पर देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कुछ और बातें यहाँ पर जिन्होंने बात छेड़ी है। कॉन्फ्लिक्ट ऊपर स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात थी, यहाँ भी करी। कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? कॉन्फ्लिक्ट बच्चों कब होता है? ऑफिसेज में होता है, वर्क प्लेसेस पे होता है, पार्टनर्स के बीच में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में होता है, ब्रदर्स के बीच में हो जाता है बिजनेस को लेकर, फैमिली में लड़ाई हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। आप जब से क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे थे, तब भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था मॉनिटर से, टीचर से। फिर वर्क प्लेस पे हम लोग आने लगे तो कॉन्फ्लिक्ट हो गए, मैं सीनियर, वो सीनियर, मेरी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, मुझे डिमोट कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो ये सब चीजें हमारी एक्सपेक्टेशन से जुड़ी हुई हैं। क्यों हम मेडिटेट करते हैं? अभी 2 दिन पहले ही जन्माष्टमी थी, तो हम लोग कितने लॉर्ड कृष्णा को कितनी वर्शिप करते हैं, बिकॉज वी कीप रिमेम्बरिंग गॉड दैट हम लोग स्ट्रेस से बाहर आ सके। वाई डू वी गो टू विजिटिंग टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मॉस्क? वी वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ द स्ट्रेस, वी वॉन्ट टू टेक द हेल्प ऑफ द गॉड, वी रिमेम्बरिंग गॉड, वी कीप रिमेम्बरिंग। तो ये सब ह्यूमन के लिए जरूरी है। आपने देखा G20 समिट में ऋषि सुनक, हु इज अ ब्रिटिशर, इंडियन ओरिजिन, हिज वाइफ इज द डॉटर ऑफ नारायण मूर्ति, वेंट टू अक्षरधाम इन सच अ बिजी रूटीन, द पर्सन वेंट टू विजिट अक्षरधाम। सो दैट वॉज एन एग्जाम्पल दैट दोज हु आर सक्सेसफुल इवन दे कीप विजिटिंग द ऋषि, द गुरुज, इफ दे आर द गुरुज आर नॉट फ्रॉड फ्रॉडस्टर्स। यू माइट हैव सीन विराट कोहली विद हिज वाइफ वॉज विजिटिंग प्रेमानंद एट मथुरा वृंदावन, देन द ऑनर ऑफ द एप्पल हैज विजिटेड अ टेम्पल एट उत्तराखंड, बाबा नीब करोड़ी जी। आप प्लीज समझिए, ये सब लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट करने, मेडिटेशन करने आते हैं। इस चीज को समझना है कि इतने बिजी लोग भी हाउ आर दे मैनेजिंग देयर लाइफ, दे आर लिविंग इन प्रेशर, दे आर मैनेजिंग देयर स्ट्रेस। फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं लीडरशिप एंड क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, बिकॉज लीडर यहाँ पर लीडर का मतलब पॉलिटिकल लीडर नहीं है। हियर लीडर, लीडर मीन्स व्हाट? लीडर मीन्स बिजनेस लीडर, प्लीज अंडरस्टैंड। लीडरशिप, ये देखिए बच्चों उसके टाइप सुन लीजिए, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, अब वो जो लीडर होता है खुद ही सब फैसला लेता है, ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक सबसे पूछकर फैसला लेना, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ट्रांजेक्शनल लीडरशिप, लेसेज फेरी लीडरशिप, एम्प्लॉयज को सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी देना, कौन सी लीडरशिप है? लेसेज फेरी फेयर लीडरशिप, गिविंग, लिख लीजिए इस बात को, दिस वर्ड इज टेक्निकल, लैटिन लग रहा है मुझे। लेसेज फेयर लीडर्स टेक हैंड्स ऑफ अप्रोच एंड अलाउ एम्प्लॉयज सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी, ये एम्प्लॉयज को ऑटोनॉमी देते हैं सिग्निफिकेंट। सर्वेंट लीडर, टीम मेंबर्स की केयर करना, अपने एचआरएम को संभालना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को संभालना, कैरिज्मेटिक लीडरशिप, जिसका कैरिज्मा हो बच्चों, पर्सनल कैरिज्मा, चार्म टू इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस अदर्स, स्ट्रॉन्ग विजन, कैन रियली पीपल अराउंड देयर आइडियाज, दे आर कैरिज्मेटिक लीडर्स। सिचुएशनल लीडरशिप, जो सिचुएशन से लीडर बन जाए, ये टाइप्स हैं लीडरशिप के। ऑटोक्रेटिक लीडर फिर ऊपर आया, मैंने नाम बता रहा हूं,
ऑटोक्रेटिक लीडर्स मेक्स डिसीजन यूनिलेटरली विदाउट इनपुट फ्रॉम अदर्स। डेमोक्रेटिक लीडरशिप ही टेक्स इनपुट ऑफ अदर्स देन ही डिसाइड्स। दूसरों से भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कराते हैं। दिस इज गुड बट इसमें कई बार डिले हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर टीम मेंबर्स कि तुम लोग आगे ग्रो करो। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एंड लेसेज फेयरली, मैंने बोला जो अपने एम्प्लॉयज को ऑटोनॉमी दे दे। ये टाइप्स ऑफ लीडर्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैंने बताया रिजॉल्व कैसे करना है। ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना होता है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है बिजनेस के अंदर उसको दूर करो ताकि बिजनेस ग्रो करे। एक और एक 11 होते हैं और अलग अलग टूट जाएंगे तो हम अच्छा बिजनेस अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड लेवल पे भी हो रहे हैं, कंट्री लेवल पे भी हो रहे हैं, फैमिली लेवल पे भी हो रहे हैं, क्योंकि इंसान के अंदर ईगो बढ़ गई है। इतना बड़ा महामारी कोरोना देखा और बहुत कुछ देखा और फिर भी हम ईगो से भरे हुए हैं। और ईगो का मतलब है वी कीप फाइटिंग विद अदर्स कि मैं तुझसे बढ़िया हूँ। तो ये इसी चीज को यहाँ पर बच्चों को बता रहे हैं कि विनम्र रहना, हमें ग्राउंडेड रहना है, ईगो में नहीं आना है। एंड गॉड को रिमेम्बर करके वी हैव टू बिकम अ गुड गुड ह्यूमन, गुड सिटीजन। वी हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट इन अवर फैमिली, इन अवर इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री और द इंस्टीट्यूशन वेयर वी आर वर्किंग। जस्टिफाई करना है पैसे को जो सैलरी हमको मिलती है। फिर आता है बच्चों इसमें हेल्थ एंड हाइजीन। ये अभी पढ़ा हमने योगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब वो कह रहे हैं हेल्दी खाना खाना है। आपने देखा ओबेसिटी, आप देखिए ओबेसिटी ओवरवेट, हाउ वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द जंक फूड एंड फॉल्टी लाइफस्टाइल, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई ऑब्जर्व दैट समवेयर आई मे बी गुड इन सम एरियाज बट आई एम बैड एट हेल्थ पार्ट इज देयर बिकॉज आई वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स समटाइम्स एंड आई डू नॉट टेक केयर ऑफ माई वेट एंड ऑल द थिंग्स। सो दे आर सेइंग नो इट इज नॉट गुड, इट इज अ हैजर्ड। ओबेसिटी इट इज अ हैजर्ड, संकट की बात है। फिजिकल फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिट। अब बच्चों आजकल आप जैसे बच्चे हैं जिम जा रहे हैं, दैट इज गुड, बट बच्चों वो इतना ज्यादा फिटनेस में करियर का पता ही नहीं है। पैसे माता पिता भर रहे हैं जिम के। अरे भाई मेक अ बैलेंसिंग ना, फॉर 1 आवर 2 आवर इट इज गुड बट फॉर द रिमेनिंग आवर्स वी हैव टू वर्क। फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, हम लोग देखते हैं बंजी जंपिंग एंड राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग एंड ऑल। दीज आर द एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हेल्थ एंड हाइजीन के लिए हैं बट दे शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। तो ये बच्चों इस तरह का ये पेपर है जिसमें आपको एक और बार बार ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो क्या राइटिंग स्किल्स चेक करेंगे और कैसे हमको रिस्पॉन्ड करना है, ये सब मैंने एक जजमेंट किया। एक इन्होंने लिखा है कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव स्किल। ये भी क्योंकि स्किल की बात पेपर के टाइटल में ही है ना बच्चों, स्किल वर्ड इज देयर इन द टाइटल ऑफ द पेपर। ये बता रहे हैं कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव स्किल्स आर टू कैटेगरीज ऑफ स्किल दैट प्ले अ डिस्टिंक्ट बट इक्वली इंपॉर्टेंट रोल इन एन इंडिविजुअल पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्या होती है कॉग्निटिव स्किल? कॉग्निटिव स्किल इज ऑल्सो नोन एज इंटेलेक्चुअल और मेंटल स्किल एंड एक्वायरिंग प्रोसेसिंग एंड अप्लाइंग इंफॉर्मेशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी, ये बच्चों हमारी
कॉग्निटिव जो स्किल है नहीं है हम में, क्योंकि हम रट्टू तोता है, हमारे अंदर क्यूरोसिटी नहीं है। जब से हम बड़े हुए हैं हमने सवाल पूछने छोड़ दिए, हम ये भी नहीं सोचना चाहते कि हमारे कंप्यूटर के अंदर वाईफाई कैसे आ रहा है, हम सोचना नहीं चाहते, बस हम यूज करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम बड़े हो रहे हैं तो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज हमें कोई मतलब नहीं। पंखा घूम रहा है तो कैसे घूम रहा है, कौन सी फिजिक्स लग रही है जनरल लेवल की, हम ये भी नहीं सोचना चाहते। ये जूम क्लास मैं ले रहा हूँ आप तक कैसे पहुंच रही है, वी डोंट वॉन्ट टू थिंक। तो हम जब हमारी क्वेरीज खत्म हो जाती है और हम चीजों को यूज करते हैं मगर उसके कॉज नहीं देखते तो हम क्रिटिकल थिंकर नहीं होते। तो कॉग्निटिव स्किल क्या है, प्रॉब्लम के बारे में सोचना, ये कैसे हो रहा है, तभी माइंड शार्प होता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एनालाइज करना, लॉजिकल रीजनिंग, मेमोरी को ग्रूम करना, इंफॉर्मेशन से अवेयर रहना क्या चल रहा है, मैथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल स्किल को ग्रूम करना। अब सब जानते हैं मैथ से कैसे जान निकलती थी हमारी 11th 12th। और लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये सब कॉग्निटिव स्किल्स है। एक बंदे की पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए ये उसकी कॉग्निटिव स्किल पे डिपेंड करता है। नॉन कॉग्निटिव स्किल क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने इमोशन पे कंट्रोल करना और दूसरे के इमोशन के साथ भी सॉफ्ट रहना। दिस वर्ड दे आर यूजिंग अगेन एंड अगेन, इमोशनल इंटेलिजेंस। कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, ये इन्होंने बताया सारा कि कॉग्निटिव स्किल एंड नॉन कॉग्निटिव स्किल क्या है। ये दोनों ही स्किल चाहिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए। और ये बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं बच्चों, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफन रेफर्ड एज ईक्यू इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इफेक्टिवली यूजिंग वंस ओन इमोशंस एंड द इमोशन ऑफ अदर। इमोशंस को समझना, रिकॉग्नाइज करना, अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना। इट इन्फ्लुएंसेस हाउ इंडिविजुअल नेविगेट सोशल इंटरेक्शन, बिल्ड रिलेशनशिप, मेक डिसीजन एंड हैंडल स्ट्रेस एंड चैलेंजेस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज टिपिकली डिवाइडेड इंटू सेवरल कॉम्पोनेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, सोशल स्किल्स, एम्पैथी, लोगों के प्रति सॉफ्ट रहना, एम्पैथेटिक रहना, दूसरों से रैपो बनाना, पॉजिटिव रिलेशनशिप रखना। हमें इमोशनली स्ट्रांग रहना होता है। पेपर है, हम घबराहट में नहीं लिख पा रहे तो वी आर इमोशनली वीक। इफ वी आर स्ट्रांग, वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर गोइंग टू गिव एग्जाम, दिस इज स्ट्रॉन्गर इमोशनल इंटेलिजेंस। एंड हमारी पर्सनल लाइफ पे इसका असर पड़ता है क्योंकि हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं। समस्याएं हमेशा आएंगी मगर हम अपने ईक्यू से समस्याओं को विन कर सकते हैं। और जितना इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे उतने अच्छे लीडर होंगे। हाई लेवल की इमोशनल इंटेलिजेंस हमें अच्छा बिजनेस लीडर बनाती है। ये बच्चों मैंने एक छोटी सी कोशिश की जो भी मैं कर पाया, बहुत ही लिमिटेड टाइम था, ऑड आवर्स थे, तो आई थॉट चलिए थोड़ा बहुत आई शुड हेल्प यू। और ये लेक्चर बच्चों मैं अपलोड भी कर दूंगा अभी। थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी फॉर द लेट आवर्स दैट इतनी लेट मैंने आपको एक ऑफर दिया। वॉलेंट्री था बच्चों, जो पढ़ना चाहते थे पढ़ सकते थे, क्योंकि मैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट देता और क्या बताता, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, बट एक आइडिया दिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गॉड ब्लेस।